So what you see is I'm actually on a breakwater. It goes slightly deep inside. So यदि आप लोग सोच रहे हैं, if you're wondering what is a breakwater, तो breakwater एक बहुत interesting piece of construction होता है, जैसा नाम से पता चलता है. It is used to break waves. और waves को break करने की क्यों जरूरत है? यदि बहुत ज़्यादा rollicking हो रहा है, जो waves में होगा, तो शिप को अंदर आने में, या आपका शिपयार्ड है तो उसको शिप जो आपने बनाया उसको बाहर निकालने में बहुत तकलीफ होगा. तो जनरली ब्रेक वाटर इज यूज टू क्रिएट ब्रेक वेव्स एंड क्रिएट अ हार्बर. ये सब चीज़ें मुझे कैसे पता है, जबकि आप सब लोगों को पता है वॉज अ प्रिटी बैड सिविल इंजीनियर, आईआईटी में कुछ पढ़ाई नहीं की. पर पहला जो प्रोजेक्ट किया यूएसए आने के बाद रियलाइजेशन टेक्नोलॉजीज के लिए, काटूपल्ली में शिपयार्ड था लार्सन एंड टूब्रो के लिए, उसका एक बड़ा पार्ट था 1.2 किलोमीटर का ब्रेक वाटर बनाना था. ब्रेक वाटर बनाने थे, दो ब्रेक वाटर थे, टोटल लेंथ 1.2 किलोमीटर. और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए ये पीछे तक जा रहा है, आप यदि देख सकते हैं, है ना. तो 1.2 किलोमीटर का ब्रेक वाटर बनाने के लिए 50,000 ट्रक, और हर एक ट्रक में करीब 35 से 40 टन पत्थर, मान लीजिए उतना पत्थर आता था आंध्रा में कहीं से, क्वारी से, क्वारी यानी खान मान लीजिए, पत्थर की खान. तो वहां पे ब्लास्ट करते थे, पत्थर निकलता था, उसको ट्रक से ट्रांसपोर्ट करते थे, फिर धीमे धीमे उसे डंप करते थे. सबसे नीचे थोड़ा लोअर ग्रेड होता है, सैंड टाइप होगा, फिर बड़ा ग्रेड होता है, और सबसे ऊपर आपको मोटे मोटे बोल्डर दिखाई देंगे. इनफैक्ट यहाँ पे ट्राईपॉड टाइप के बोल्डर्स नहीं है, विच बेसिकली होल्ड इट अप. सो आई थॉट आई वॉक इन एयर, इंडियन ओशन है, आपको पीछे दिखाई, इट्स वेरी प्रिटी. और ब्रेक वाटर है तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई. ब्रेक वाटर इन मापुटो मोजाम्बिक, राइट ऑपोजिट वेरी नाइस. कीप लॉक्ड इन, नेक्स्ट एक महीने में आपको अफ्रीका से कुछ कुछ भेजता रहूंगा.